नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के दंगल की फील्डिंग सेट करने में लगे हुए हैं। इंडिया अलायंस में खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए अब एक्शन मैन के किरदार में आ गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कल अपने ही मंत्री अफसरों के चैंबर में रेड डाल दी। 9:30 बजे सुबह सरकारी बिल्डिंग विकास भवन और बगल के विश्वेश्वरैया भवन में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मिनिस्टर अपने चैंबर में मौजूद नहीं थे और यही हाल अफसरों के चैंबर में भी नजर आया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव और भवन निर्माण मिनिस्टर अशोक चौधरी अपने दफ्तर में नहीं थे। कई और मंत्रियों के चैंबर में यही नजारा था, जिस पर नीतीश कुमार भड़क गए। चंद्रशेखर यादव को फोन कर लेट लतीफी पर सवाल पूछे गए तो अशोक चौधरी को दफ्तर आने पर घड़ी दिखाकर चेतावनी दी। अफसरों को भी दनादन कॉल जाने लगे और आनन फानन में कई अधिकारी भागते दौड़ते सचिवालय पहुंचे। नीतीश कुमार करीब 40 से 45 मिनट तक सचिवालय में दफ्तरों में एक के बाद एक चक्कर काटते रहे और आनन फानन में कई अधिकारी दौड़ दौड़ कर पहुंचते रहे। बड़े मिनिस्टर्स नदारद थे, जिनमें चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री। और बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है वो इंडिया टीवी लगातार आपको बीते कई दिनों से दिखा रहा है। वहां के स्कूल कितने बेहाल हैं वो हम आपको कई दिनों से दिखा रहे हैं। कई मिनिस्टर्स अपने केबिन से नदारद थे और मिनिस्टर्स विभाग के अधिकारी भी वहां से नदारद थे। अब जब मिनिस्टर नहीं मौजूद होंगे तो अधिकारी क्या करेंगे आकर? वो भी कन्नी काट गए, वो भी नहीं पहुंचे। ऐसे में इस सरप्राइज विजिट ने सभी को शॉक कर दिया। नीतीश के सरप्राइज विजिट में कई मिनिस्टर्स नदारद थे। नीतीश कुमार सबसे पहले शिक्षा विभाग के दफ्तर में दाखिल हुए। यहां मिनिस्टर चंद्रशेखर यादव नहीं थे। शिक्षा विभाग के मेन ऑफिसर के पाठक भी छुट्टी पर थे। सचिव वैद्यनाथ यादव भी समय से लेट थे। भवन निर्माण विभाग के जीडीओ कोटे से मिनिस्टर अशोक चौधरी भी अपने चैंबर में मौजूद नहीं थे। ये सीएम के निरीक्षण के दौरान पहुंचे। ऐसे में नीतीश कुमार ने घड़ी दिखाकर उनसे सवाल पूछा, लेट आने को लेकर पूछा। उद्योग विभाग में मंत्री समीर कुमार महासेठ भी अपने चैंबर में नहीं थे। परिवहन विभाग में भी ऐसा ही नफारा था, यहां भी मंत्री शीला मंडल हाजिर नहीं थी। कृषि विभाग के दफ्तर का भी यही माहौल था, मंत्री कुमार सर्वजीत यहां मौजूद नहीं थे। गन्ना उद्योग विभाग के मिनिस्टर आलोक कुमार मेहता भी गैर हाजिर थे। सिर्फ अपने चैंबर में एक मिनिस्टर समय से मौजूद थे, वो थे मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार। आइए अब आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं। कल जब नीतीश कुमार ने औचक निरीक्षण किया था और ज्यादा मंत्री ऑफिसर नदारद थे, वहीं आज 9:30 बजे दफ्तर में मंत्री से लेकर कर्मचारी सब हाजिर नजर आए। देखिए एक औचक निरीक्षण का क्या असर हुआ, समय 10 बजे का और 9:30 बजे ही सभी मंत्री भी पहुंच गए, अधिकारी भी पहुंच गए, कर्मचारी भी पहुंच गए। कल नीतीश कुमार ने सरप्राइज विजिट कर मंत्रियों की क्लास लगाई। कई मंत्री नदारद थे, आज क्या सुमिनी हकीकत है? कौन कौन मंत्री अपने चैंबर में मौजूद थे? इंडिया टीवी संवाददाता यही जानकारी जुटाने के लिए खुद सचिवालय पहुंचे। नीतीश चंद्र की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को ये कहा है कि वो दफ्तर समय पर पहुंचे, 9:30 बजे दफ्तर वो पहुंच जाएं। नीतीश कुमार खुद लगातार सचिवालय आ भी रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कल वो सचिवालय पहुंचे थे तो 6 मंत्री और 5 बड़े अधिकारी अपने चैम्बर में नहीं थे। और आज क्या स्थिति है ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं सचिवालय में। और इसी सचिवालय में कई अलग अलग विभागों के दफ्तर हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग में पहुंचे थे, जहां मंत्री चंद्रशेखर मौजूद नहीं थे। लेकिन अभी देखिए 9:30 बजे हैं और ठीक 9:30 बजे मंत्री जी यहां पर पहुंच भी चुके हैं। और अंदर दफ्तर में भी, सचिवालय में भी जो माहौल है बिल्कुल बदला हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए ये शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का ये चैम्बर है और यहाँ पर बत्ती जलाई गई है, इसका मतलब शिक्षा मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शिक्षा मंत्री आ चुके हैं। कितने बजे पहुँचे? 9:25 में। अच्छा, 9:25 में शिक्षा मंत्री पहुँच चुके हैं। और आगे की तस्वीर भी आप देखिए, यहाँ जो आपको कर्मचारी हैं वो कतार में खड़े हैं बायोमेट्रिक के लिए। हर जगह थोड़ी आपाधापी दिखाई दे रही है क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार सचिवालय आ चुके हैं और उसके बाद उन्होंने जो निर्देश दिया है उसका असर दिखाई दे रहा है। लंबी कतार लग गई है आज? एकदम लग गई है, जरूर रोज लगती है। पहले भी समय पे आ रहे थे? एकदम आ रहे हैं। अभी समय से पहले आने की कोशिश किया?
हम लोग हमेशा समय पे आते हैं, ये लाइन लंबी कतार समय से आने के चलते नहीं, यहाँ बायोमेट्रिक मशीन खराब पड़ी हुई जिसके चलते ये लंबी लाइन लगी हुई है। छह बड़े मंत्री, छह बड़े अधिकारी कोई चैम्बर में नहीं था जब नीतीश कुमार यहाँ घूम रहे थे? जी नहीं सर, लोग थे अपने अपने आदमी आया हुआ था, हम लोग आए हुए थे सेक्शन में, अधिकारी नहीं थे और उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। सीएम नीतीश कुमार ने कल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को फोन कर दफ्तर बुलाया। आज वो समय से 5 मिनट पहले ही अपने चैंबर में मौजूद थे। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्रा ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव से खास बातचीत की, खुद की अटेंडेंस पर उन्होंने क्या कहा सुनिए। नीतीश कुमार सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय पहुंचे थे, उस समय शिक्षा मंत्री मौजूद नहीं थे, लेकिन आज समय पर आ गए। आज समय पर आ गए थे मंत्री जी, आज बिल्कुल समय पर आ गए आप। क्यों, समय पर तो आना ही है जब निर्देश सबके लिए है। नहीं, कल नहीं थे आप? कल मैं 5-7 मिनट लेट से आया हूँ, और क्या। आपको खबर मिली कि नीतीश कुमार आए तो फिर दौड़ते भागते आप पहुंचे थे? आप समझ रहे हैं, हमको आना ही था तो, और आप प्रेस वाले अपना नैरेटिव सेट कर, आप आज लेकिन समय से पहले आ गए, 5 मिनट पहले आए मुझे जानकारी मिली। आज समय पर आए, 2-4-5 मिनट पहले आए, और जब समय पाना है तो 2-4-5 मिनट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो अब कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट की बैठक है आज। अच्छा, तो अब हर दिन ऐसा ही करेंगे? जब अब तो निर्देश दे दिया ना मुख्यमंत्री ने कि 9:30 बजे आना है। कमन निर्देश जारी हो गया, तो जब तक पटना में रहेंगे तो ऐसा ही करेंगे ना। क्या कहेंगे इस आदेश के बारे में, अच्छा है या इसमें कुछ संशोधन की भी आवश्यकता? नहीं नहीं, वो अच्छा है। कम से कम जब सारे कर्मी आते हैं समय पर, तो भाई मंत्री हों कि वरिष्ठ पदाधिकारी क्यों नहीं आएंगे। बहुत लोग नहीं भी हैं, लेकिन कई मंत्री जो हैं अपने चैम्बर में नहीं मिले। तो हो सकता है मंत्री फील्ड में भी गए होंगे, उनका फील्ड का भी काम होता है ना। तो शिक्षा मंत्री समय पर बिल्कुल आ गए और अभी एक मीटिंग में जा रहे हैं। कल नीतीश कुमार जब आए थे तो इन्होंने मंत्री जी को फ़ोन भी लगाया था और ये पूछा था कि आप कहाँ हैं, और उसके बाद शिक्षा मंत्री काफ़ी जल्दबाजी में अपने मंत्रालय पहुंचे थे। नीतीश कुमार के एक फोन से जल्दबाजी में पहुंचे थे शिक्षा मंत्री। वो कहते हैं ना, देर लगी आने में तुमको शुक्र है, फिर भी आए तो। खैर, नीतीश कुमार के औचक निरीक्षण में कल एकमात्र मंत्री जो अपने चैंबर में मौजूद थे वो थे मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार। नीतीश कुमार उनको देखकर बहुत गदगद हो गए, लेकिन आज वो इंडिया टीवी के रियलिटी चेक में मौजूद नहीं थे। इंडिया टीवी के सवालों पर उनके दफ्तर के कर्मचारी जवाब देने में भी असमर्थ दिखाई दिए। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हर जगह जल्दी जल्दी दफ्तर में दाखिल होने की जो आपाधापी है वो नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री उसके बाद सीधे इसी सीढ़ी से ऊपर की तरफ बढ़े थे, और इसलिए हम अब ऊपर की तरफ जो विभाग हैं वहाँ चलकर देखते हैं कि क्या नीतीश कुमार ने जो बातें कही, जो निर्देश दिया, उस पर अधिकारियों मंत्रियों ने अमल किया या नहीं किया। ये इसी रास्ते से मद्य निषेध उत्पाद विभाग है, इसके मंत्री सुनील कुमार हैं जो कल मौके पर थे। मद्य निषेध मंत्री कहाँ मिलेंगे? जी सर, इधर मुड़ने के बाद यहाँ कमरे में भी आप एक तस्वीर दिखा दीजिए, जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश का असर जो है वो दिखाई दे रहा है, और सुनील कुमार जो कि एक IPS अधिकारी रह चुके हैं, कल वो उस वक्त मिल गए थे जब नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचे थे। अब इसी रास्ते में कई और दूसरे विभाग हैं, मनोज कुमार सहायक निबंधक महानिरीक्षक। सारे अधिकारी आ चुके हैं? जी आ ही गए सर, आ गए सर। सब हम लोग टाइमली, पाठक साहब का डिपार्टमेंट रहा, सब हम लोग टाइमली आते हैं जाते हैं सब दिन। मद्य निषेध मंत्री अभी पहुँचे? वो तो चैम्बर है उनका सर का। आगे चैम्बर है मद्य निषेध मंत्री का। मद्य निषेध मंत्री का ये रहा चैम्बर। कल तो मौजूद थे, नीतीश कुमार इनको देखकर खुश भी हुए थे, लेकिन आज हैं या नहीं हैं? ये मंत्री जी आ चुके हैं क्या? नहीं सर, नहीं अभी आंसर नहीं आया सर। 9:30 से ज़्यादा बच चुका है, अभी तो नहीं आया सर। तो कल नीतीश कुमार के आने की खबर उनको मिल गई थी क्या? नहीं सर, वो नहीं है, वो ऐसा तो पहले थे, दिख रहे थे, ऐसे आ जाते थे सर, 9:25, 9:20 में 9:30 तक ले आ जाते हैं सर। जी सर, अभी नहीं आए? अभी आज भी नहीं आए सर। क्या वजह पता चली? अभी पता नहीं है सर। फ़ोन करके पूछेंगे? हमारे पास नंबर सर का नहीं है। PA का नंबर होगा?
ये हैं उनके क्या मंत्री जी के? हाँ अभी निकले हुए हैं, कैबिनेट लिए हुए मंत्री जी तो अभी आएंगे यहाँ दफ्तर। जी जी सर। 9:30 बज गए इसमें तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते। 9:35 हो रहा है इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। कल मुख्यमंत्री आए थे तो? जी 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 थे, सर से मुलाकात भी हुई है जी, लेकिन आज नहीं है। मद्य निषेध मंत्री आज 9:35 में अपने दफ्तर में नहीं है। कल नीतीश कुमार ने इनकी तारीफ की थी कि ये हमें दफ्तर में मिल गए। कल औचक निरीक्षण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात की। नीतीश ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, सबको समय पर आना होगा। सब जगह हम देख रहे हैं कि समय पर आ रहा है कि नहीं है, कोई नहीं रहते हैं तो तुरंत कहवाते हैं कि भाई कह नहीं समय पर आए हो, 9:30 सबको आ जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं, इसीलिए हम घूम रहे हैं सब जगह। आप तो एक्शन में नहीं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। आप तो एक्शन में दिख ही रहे हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। देख रहे सीरियस सब, बाकी ये सब इसको तो देखने हैं, आप जानते हैं इसको बहुत बड़ा ना बनवाए हैं, एक बार थोड़ा गिर गया था तो उसके बाद बाकी सब आज भी देख लिए ताकि ठीक हो जाए। शिक्षा मंत्री तो आज टाइम से दफ्तर पहुंच गए, लेकिन कृषि मंत्री जो कल भी एब्सेंट थे वो आज भी अपने मंत्रालय में नजर नहीं आए। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र पहुंचे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्यों सभी मंत्री और अधिकारी मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण का इंतजार करते हैं? क्यों इस बात का इंतजार करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब डांट लगाएंगे या ताकीद करेंगे तब सारे काम होंगे? सभी मंत्रालय के अधिकारी अपने अपने समय पर दफ्तर पहुंच सकते हैं, कामकाज भी समय से चल सकता है, लेकिन इसके बावजूद उनका नदारद रहना ये इस बात का इशारा करता है कि सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय के कामकाज को लेकर कितने संजीदा हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार को सरप्राइज विजिट की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी सबसे पहले शिक्षा विभाग में। नीतीश किस मकसद से रेड डालने के लिए पहुंचे थे? तो इसका जवाब इन तस्वीरों के अंदर छिपा है। इंडिया टीवी ने बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीरें सामने रखी थी। कहीं एक ब्लैक बोर्ड पर 5 क्लासेस चल रही थी, कहीं एक बिल्डिंग में 3 स्कूल ऑपरेट किए जा रहे हैं, कहीं तो बिल्डिंग ही जर्जर है, कहीं एक ही कमरे में मैथ्स और बायोलॉजी की क्लास चल रही है, कहीं पर टूटी फूटी झोपड़ी है, भेड़ बकरियों की तरह बच्चे भर कर बैठे हुए हैं, पढ़ाया जा रहा है, और कुछ सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर गौशाला चल रही है, भूसा भरा हुआ है, पुआल रखा हुआ है, गाय भैंसे बंधी हुई है। सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अपने औचक निरीक्षण से सबसे पहले शिक्षा मंत्री के चैंबर में दाखिल हुए और नहीं मिलने पर उन्हें तुरंत फोन किया। नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर यादव से सीधा सवाल किया, मैं आपके विभाग में घूम रहा हूं और आप बाहर हैं। शिक्षा मंत्री तो आज टाइम से दफ्तर पहुंच गए, लेकिन कृषि मंत्री जो कल भी एब्सेंट थे वो आज भी अपने मंत्रालय में नजर नहीं आए। तो क्या यह समझा जाए कि मंत्री जी मुख्यमंत्री को की सख्ती के बाद भी गंभीर नहीं हुए हैं? देखिए बिहार में कृषि मंत्रालय की अटेंडेंस रिपोर्ट। कृषि मंत्री में भी नीतीश कुमार पहुंचे थे, सर्वजीत जो कि आरजेडी कोटे से मंत्री हैं कृषि विभाग के, एक बार फिर से यहाँ रख रोल। नीतीश कुमार कृषि विभाग में भी पहुंचे थे। कृषि मंत्री सर्वजीत उस समय अपने चैम्बर में नहीं थे। मंत्री जी आ गए ना? आने वाले हैं सर, आ रहे हैं, सूचना हो गया है सर। अच्छा, क्या सूचना आई? कहीं के मंत्री जी आ रहे हैं, लोग रेडी रही है सर। लेकिन अभी कितना टाइम हो रहा है? अब तो सर टाइम तो हो ही गया है सर आने के लिए सर, आधे घंटे लेट हैं। अब तो सर सर लो आ रहा है सर, आ ही रहा है सर। चैम्बर दिखाइए, ये कृषि मंत्री का चैम्बर है। कल नीतीश कुमार यहाँ आए, उन्होंने बजाबता इनकी कुर्सी की तरफ उंगली दिखाकर तस्वीरें भी दिखाई कि मंत्री जी अपने चैम्बर में नहीं हैं, और समय देख लीजिए 10:00 बज चुके हैं, यानी आधे घंटे की देर हो चुकी है। और ये स्थिति तब है जब नीतीश कुमार इनके चैम्बर में कल आए थे और कल भी वो मौजूद नहीं थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तस्वीरें इनके चैम्बर में लगी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का निर्देश समय पर आने का वो नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ जो दूसरे अधिकारी हैं, राजेश मीना निबंधक सहयोग समितियाँ, क्या कहाँ हैं सर? नीचे में गाड़ी। अच्छा, अभी पहुँचे नहीं
आ रहे हैं, फोन किए आ रहे हैं, पता चली देर होने की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।